हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू द सेशन मैं फ़टाफट से जो है स्टार्ट कर लेती हूँ इज एवरीथिंग ऑल गुड हेलो एवरीबॉडी हेलो 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 दैट्स वेरी ऑसम टू हैव यू गाइजर अब हम लोग अपना क्रैश को स्टार्ट करेंगे ठीक है फॉर द क्लास टेन ऑफ कोर्स सबसे अच्छा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि यार इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है बट हमें फिर भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स में अक्सर हम लोग मार खा जाते हैं राइट लेट्स गेट स्टार्टेड ओ दैट्स वेरी ऑसम अगर तुम दो लैक बटन अगर तुम ऑन कर दोगे ना आयुष तो इट वुड बी uh, इट वुड बी लाइक पहले सेलेक्ट होगा एंड देन अनसेलेक्ट हो जाएगा ठीक है तो ये चीज़ तुम्हें पता होना चाहिए हेलो नव हेलो श्रावणी आई एम गुड आई एम गुड हाउ आर यू बच्चा हेलो नाव दैट्स वेरी ऑसम कूल शावनी डोंट वरी अब जो वीकनेस है ना वो भी तुरंत ही हील हो जाएगा क्योंकि जब तुम एक बार के लिए बीमारी से लड़ लेते हो ना तो वो जो रिकवरी फेज है ना वो अच्छी डाइट से और यू नो एक्सरसाइज से और यू नो शांत बैठने से आराम से हील हो सकती है जल्दी जल्दी है ना तो अब तुम्हारा सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है वो तो चला गया है ना तो अब बस हमको क्या करना है हील होना है स्ट्रांग बनना है ठीक है तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है जहां पे आप अपने बॉडी को बहुत क्विकली जो है ग्रो करवा सकते हो हेल्प कर सकते हो रिकवर होने में जस्ट बाय डूइंग फ्यू थिंग्स लाइक बहुत हेल्दी हेल्दी खाना खाना है बहुत सारे फ्रूट्स खाने हैं ठीक है प्रॉपर डाइट बैलेंस डाइट लेना है ठीक है साइंस की बुक में तो पता है ना वॉट इज़ बैलेंस डाइट वो पूरा पूरा लेना है एक्सरसाइज करना है खुश रहना है सबसे अच्छी बात तो ज़रूर तुम जल्दी जल्दी ठीक हो जाओगे ठीक है हेलो हर्षित दैट्स वेरी ये तो सही कह रहा है भाई ना ये सचमुच बात है मेडिसिन किसी को पसंद नहीं होता लिटरली किसी को पसंद नहीं होता इवन मुझे भी पसंद नहीं है है ना तो ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है आई एम खुश नहीं बच्चा तुम बताओ अभी मज़ा आएगा ना भेड़ो बच्चा हर्षद अभी मजा आएगा जीते रहो मोनित जीते रहो खुश रहो हेलो नाव शुभ संध्या मोनित थैंक यू सो मच हर्षित आज पेपर था मोनित तो कैसा गया पेपर फटाफट से बताओ जरा मुझे कैसा गया तुम्हारा पेपर लेकिन इतना हेट भी नहीं करता अच्छा इतना हेट भी नहीं करता ना no. अच्छा 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 <laughs> न, शावनी ट्रू मैं खुद भी बहुत हेट करती हूँ मेडिसन से मुझे खुद भी मेडिसन पसंद नहीं है मैं लिटरली पता है बचपन में क्या होता था मतलब आ, मैं जब बीमार होती थी तो मुझे बहुत डर लगता था इट वॉज अ वेरी स्ट्रेंज फीलिंग दवाइयों को देख के और ये दिमाग में सोच के कि वो कितनी कड़वी होगी पता है मेरे को आ, वापस से बुखार आ जाता था ये चीज़ सोच ही तो पता है मैं क्या करती थी सीधे सीधे वो जो अपनी जो छोटी सी गोली होती है ना किसी ना किसी तरह उसको गायब कर देती दे थी फॉर द वन टाइम मैंने ज़रूर ऐसा किया है ठीक है हालांकि बाद में मम्मी को पता चला तो मार भी पड़ी उसके चक्कर में बट यू नो ये ये एक बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस है कि यार मेरे को बीमारी नहीं पड़ना तब तो मैंने डिसाइड कर लिया यार हेल्दी हेल्दी खाओ अच्छा अच्छा सोचो फटाफट से एक्सरसाइज करो बट द थिंग इज़ कि बीमार मत पड़ो बस ये है ना मैंने सीखा बिल्कुल बिल्कुल है ना देखा बिल्कुल सेम टू सेम यही यही एक चीज है जो अपन को बिल्कुल पसंद नहीं है है ना तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के अपना सेशन में है ना अच्छा गया मोनित वेरी गुड बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया ये तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है कि तुम्हारा जो पेपर है वो बहुत अच्छा गया बट द थिंग इज कि तुम्हें अब ये लर्न करना है कि तुमने क्या मिस्टेक्स किया था ताकि हम उनको अपने फाइनल्स में नहीं रिपीट करें ठीक है ये चीज अपन को ध्यान रखना है आ, मैंने सुना है कि लोग कोविड से कम कोविड के नीम से ज्यादा बिल्कुल सही हर्षित ये तुम बिल्कुल सही कह रहे हो पता है मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ एक ना बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ था आई डोंट नो वो लुक ना ये जो मैं तुम्हें बात बताने जा रही हूँ ये एक्चुअली तुम्हें बताएगा द पावर ऑफ योर माइंड ठीक है मुझे एक स्टोरी याद आई इसकी जो हर्षित ने मैंशन किया इसको ठीक है अरे यार श्रावनी ऐसा मत करना ठीक है ऐसा मत करना है ना मतलब मैंने भी गलती की है यार और मैंने उसे लर्न किया कि यार नहीं हालांकि कड़वी होती है यार पता है अपन को कड़वी होती है बट द थिंग इज वो कर देती है हील जैसे तैसे तो ये नहीं करना है मैंने गलती की थी है ना श्रावणी अभी आपको रिपीट नहीं करना है उस गलती को ठीक है सो मेक श्योर दैट यू डू नॉट अगेन ठीक है सेकेंड चीज़ मैं तुम्हें बता देती हूँ कि हर चीज से मुझे याद आया एक बहुत बढ़िया बढ़िया स्टोरी एंड वो जो स्टोरी है ना वो मैं तुम्हें बताती हूँ सो द स्टोरी गोज लाइक दिस दैट्स एन इक्वल एक्चुअल एक्सपेरिमेंट ठीक है एक एक पर्सन था ठीक है जो जिसको ना इसने कुछ क्राइम किया था तो उसको क्या बोला गया था कि तुम्हें जो है सज़ा मिलेगी एंड uh, जो उसकी सज़ा थी वो ये थी कि उसे फांसी पे लटकाने वाले थे ठीक है अब वो जो पर्सन था उसने जो है बहुत बड़ा क्राइम किया था इसलिए हम कह सकते उसे फांसी पे लटकाने वाले थे बहुत ज़्यादा जो है ये हेक्टिक सिचुएशन थी तो वहाँ पे कुछ रिसर्चर्स थे उनको एक पर्सन uh, की जरूरत थी ठीक है जो कि मरने वाला हो नहीं इट वॉज लाइक वो ये चाहते थे वो ये ऐसा चाहते थे कि कोई एक पर्सन हमें मिल जाए है ना जो कि जिसको हम इजीली कुछ एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर कर पाए बिना किसी यू नो इलीगल मेथड के तो दे गो टू दी कोर्ट उन्होंने बोला कि अगर ये पर्सन को फांसी होने ही वाली है तो प्लीज़ ये जो पर्सन है वो अब हमें दे दीजिए है ना और uh, सारी लीगल प्रोसेस हम लोग कर देंगे इट वॉज़ डन लाइक दैट एंड उसके बाद उन्होंने क्या बोला एक्सपेरिमेंट और वो पूरा एक्सपेरिमेंट लाइफ द्वारा रिकॉर्ड किया गया था ठीक है क्योंकि ऑब्वियसली रिजल्ट सबको जानना था राइट तो वो जो पर्सन था उसे चेयर पे बिठा दिया ठीक है उसके हाथ पांव बांध दिए ठीक है एंड उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी उसको उसको सिर्फ ये बोला ठीक है पहले ही उसको ये चीज बोल दिया गया कि हम तुम्हें सांप से कटवाएंगे ठीक है और उसको दिखा दिया कि ये एक सांप है जो बहुत 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 जहरीला है एक बार काटने से ही तुम मर जाओगे है ना ये चीज उसको बता दी पहले ही बता दी कि भाई ये है एक्सपेरिमेंट कि हम तुम्हें सांप से कटवाएंगे ठीक है लेकिन जब हम तुम्हें सांप से कटवाएंगे तब तुम्हारी आंखों पे पट्टी होगी ये उसको बता दिया रिकॉर्डिंग सब कुछ चालू थी एवरीथिंग वाज ऑल गुड ठीक है उसके बाद ठीक है जब आंखें बांध बंद कर दी उस पर्सन की ठीक है और बाद में जब उसको बोला कि बस हम कटवाने ही वाले हैं ऐसा बोल के उसको हल्की सी सुई चुबो दी बस ठीक है सिर्फ हल्की सी सुई चुबो दी है ना एंड लिटरली ही डाइट डाइट बिकॉज ऑफ वॉट सिर्फ एक सोई चबोरे से कोई मर नहीं सकता राइट right? वहाँ पे बाद में जब बॉडी पे पूरा uh, किया गया एक uh, मतलब जितना भी ऑब्जर्वेशन था उसका अच्छे खासा जितना भी चेकअप था वो वापिस किया गया एंड तब पता चला क्योंकि उसने ये चीज सुनी थी उसको ये पहले बता दिया गया था कि भाई उसको सांप से कटवाएंगे है ना पहले बता दिया तो ये उसके ब्रेन ने पकड़ लिया कि भैया मेरे को तो सांप से कटवाने वाले हैं और तुम्हें पता है बाद में ये पाया गया कि सचमुच में उसकी बॉडी ने वो ही सेम जहर को बनाया जो कि उस सांप में था Literally that is the thing और ये हम लोग बोल सकते हैं the power of mind तो तुम जो सोचोगे ना वो तुम्हें जो है मिलने वाला है है ना ये सबसे बढ़िया चीज है तो अपन क्या सोचते हैं यार ये कड़वी है ये गंदी है दवाई है है ना ये पहले दिमाग में है तो हम लोग जनरली उन चीजों से डर जाते हैं एंड सिर्फ इस हर्षित की वजह से ना मुझे ये चीज स्टोरी याद आई कि ऑब्वियसली जब हमने ये चीज़ सुना कि कितने ज्यादा लोग मर रहे हैं हमारे आसपास मतलब कितना ज्यादा यू नो डेंजरस है ये सिचुएशन डेंजरस है ये डिजीज पेंडेमिक ये सब जब हमने सुना तो सचमुच में इसने एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डाला हमारे ब्रेन पे एंड मैं बता रही हूँ किसी को नहीं भी होगा तो भी बहुत 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 चांसेस है कि वो डर के मारे अपने आप को उतना बीमार कर लेगा है ना ये ह्यूमन ब्रेन का ही एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है तो ये हर्षित ने मुझे याद दिलाया इसकी वजह से स्टोरी मुझे बतानी पड़ी ठीक है इज़ थिंग वही तो ये देखो दिस इज दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग है ना दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मुझे शेयर करनी थी मैम मैं तो खाता ही नहीं अच्छा मोनिक नहीं है बच्चा मेरे पास सचमुच में नहीं है है ना मेरी ड्रेसेस ही सारी मैंने ख़त्म कर दी आम... जल्दी ठीक हो अरे हाँ मैं सच कह रही हूँ बता साइकोलॉजिकल इफेक्ट है इस चीज का सचमुच में है ये बहुत ही अमेजिंग है है ना तो तुम लोग को अपने आप को साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग करना होगा तो मैं बता सकती हूँ आराम से तुम लोग क्लियर कर लोगे सारे सारी एग्जाम्पिल्कुल है ना रियल स्नेक हो और हम सोचे कि कोई आ, सुई चुभगा तो हम जिंदा रहेंगे नहीं रे नहीं ना देखो जब तुम देख रहे हो एक्चुअली में तब तो पता ही है यार तब तो ठीक ही है पता ही चल रहा है कि वो काट रहे हैं तो तुम तो मरोगे

कि कितना ज्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट हमारी खुद की बॉडी पर पड़ता है जस्ट बाय योर थिंकिंग यू कैन बी गुड जस्ट बाय योर थिंकिंग यू कैन बी बैड इट डिपेंड योर थिंकिंग इसीलिए बोला जाता है सोच समझ के सोचो कि भाई तुम्हारे क्या थॉट्स है आर यू गोइंग इन टू नेगेटिव साइड और यू गोइंग इन टू द पॉजिटिव वन ये जो है हमें नहीं करना होता है ठीक है दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग चलो तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का पॉजिटिव नोट क्यों क्योंकि को ये सोच के चलना है दैट दिस चैप्टर इज एक्चुअली द इजी वन ठीक है सारा चीज इजी इजी है सब कुछ अच्छे से तुम समझ सकते हो सब कुछ अच्छे से कर सकते हो बट जो सबसे हार्ड uh, थिंग तुम्हें लगेगी वो लगेगी हाउ टू एक्चुअली राइट द आंसर है ना ये हार्ड चीज लगेगा क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी चीज़ तुम तो पढ़ोगे वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस होगा एंड आपको ये वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे फॉर एग्जांपल अगर आप इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक चार्ज वर्ड यूज़ करना पड़ेगा अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो फिर आपकी डेफिनेशन विड नॉट बी प्रॉपर है ना तो तुम्हें यहाँ पर डिफिकल्टी आ सकती है इन राइटिंग हाउ टू क्वेश्चन बाकी याद करने में चैप्टर कुछ भी हार्ड नहीं है फॉर्मुले सारे ईजी हैं सारे कंसेप्ट ईजी हैं इवन आई कैन इवन टेल यू दी न्यूमेरिकल्स वो भी बहुत ईजी हैं ठीक है ठीके? तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइक वॉट वी आर एक्चुअली गोइंग टू स्टडी ठीक है अच्छा 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 मोनित इसने तो पॉइंट टू भी नोटेड कर लिया भैया हर्षद ने तो पॉइंट नोट ही कर लिया है ना ये काफी बढ़िया जो अपन सोच पाते हैं इस चीज को बहुत ही अमेजिंग सोच है अपनी वैसे तो है ना नया नया इनोवेटिव सोच हम लोग देख पाते हैं मोनित पूछ रहा है मैम पीको कोलम होता है क्या यस यस होता है पीको कोलम होता है इट्स अ वेरी 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 स्मॉल ठीक है बहुत स्मॉल चार्ज होता है मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ पी कोलम ठीक है हाँ मैम मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस समझ नहीं आया ठीक है हर्षद मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ दैट पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है हम लोग ये चीज़ देखेंगे बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू स्टार्टिंग हम लोग कहाँ से करेंगे इलेक्ट्रिक एटम सॉरी इलेक्ट्रिक आई शुड से द चार्ज एटम को तो पढ़ना ही पड़ेगा इट्स प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज्यादा लंबा खिंच गया तो पोटेंशियल डिफरेंस हम नेक्स्ट उसमें शेड्यूल कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में ठीक है अगर नहीं खिंचता है तो हम इसी सेशन uh, में इन्वॉल्व कर लेंगे ठीक है आयुष का जो है एस एस टी और इंग्लिश का एग्जाम है वेरी गुड ऑल द वेरी बेस्ट ऑल द वेरी बेस्ट आयुष फॉर दैट गो अहेड विद दिस एंड जस्ट क्रैक इट ठीक है चलिए एटम की हम लोग बात करते हैं अब यार ये तो पक्की पक्की बात नहीं है ये किसी को पता भी नहीं है कि एटम uh, दिखता कैसा है ठीक है ये मैं आपको बता देती हूँ बिकॉज नो बडी दी एटम किसी ने एटम को देखा नहीं है अभी तक राइट लेकिन जितने भी ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने लिए हैं जितने भी हम लोगों ने सोच सकते थे जितने एक्सपेरिमेंट्स हम लोग कर सकते थे या अभी तक किए गए हैं उनके बेसिस पे वट वी कैन एक्चुअली डिसाइड वट वी कैन एक्चुअली से अबाउट दी स्ट्रक्चर वो ये स्ट्रक्चर है कि आपके पास बिल्कुल बीचो बीच एक छोटा सा हम लोग ये कह सकते हैं छोटा सा स्पेस घेरने वाले आ, आई शुड से न्यूक्लियॉन्स होते हैं ठीक है इसको न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है अब तुम मुझे बोलोगे मैम न्यूक्लियॉन्स क्या होता है न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो एक साथ मुझे क्या बोलना पड़ेगा न्यूक्लियॉन्स अब जैसे अपन क्या बोलते हैं जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं है ना तो हम इंडियंस हो गए हुए कि नहीं हुए हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडियंस हो गए ठीक है हम लोग को वैसे ही बुलाया जाएगा सेम टू सेम चीज इज विद दिस क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में रहते हैं इसलिए उनका नाम हमने न्यूक्लियॉन्स रख दिया ठीक है तो ये जो दोनों पार्टिकल्स है प्रोटॉन्स और न्यूक्लियस इनको जोड़ के हमने न्यूक्लियॉन्स बना दिया ठीक है दिस इज द वे एंड इसका नाम क्या है दिस इज न्यूक्लियस हियर ये क्या है एक न्यूक्लियस है ठीक है दिस इज एट द सेंटर बहुत छोटा सा रहता है एट द सेंटर ऑफ द एटम है ना अब इस न्यूक्लियॉन्स जो इनको हम बोलेंगे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये दो तरीके के पार्टिकल्स होते हैं ठीक है अगर आप प्रोटॉन के लिए बोलोगे तो प्रोटोन में मैं बोलूंगी पी इज फॉर वॉट पॉजिटिव इसीलिए मैं बोलूंगी इसको हमने पॉजिटिव चार्ज बता दिया कि भाई इसके पास जो है पॉजिटिव चार्ज है ठीक है न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन से अपन एन से न्यूट्रल बोल सकते हैं न्यूट्रल बोले तो जीरो चार्ज इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं बेचारा नॉर्मल सा अच्छा सा एक एटम है।, है ना हाँ न्यूक्लियस अरे बाबा वही मैं बोली हर्षित दैट्स न्यूक्लियस और क्योंकि उसके अंदर रहते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इसलिए दोनों को मिला के हम बोलेंगे ये तो न्यूक्लियॉन्स हैं क्यों क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं जस्ट लाइक वी इंडियंस क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं राइट दैट इज द मेन थिंग अब यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे तीसरे टाइप ऑफ पार्टिकल जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स एवरीबडी नोस दैट अब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये बड़े ही एक्चुअली uh, में आई शुड से बहुत ज्यादा चंचल स्वभाव के होते हैं ठीक है वाई चंचल स्वभाव के क्योंकि बेटा इन लोग को जंप करने में कुछ भी ज्यादा देरी नहीं लगती है।, है ना मतलब ये बहुत ही ज्यादा ऐसे होते हैं कि यार इनको थोड़ी सी एनर्जी दे दो तो, फटाफट पत एक एटम छोड़ के दूसरे में चल जाता है ना ये उनका एक ऐसा उनका प्रॉपर्टी है उनका ऐसा चंचल स्वभाव है द डिकन गो बट रिमेंबर याद रखना प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो इस न्यूक्लियस में बंद है वो कभी भी बाहर नहीं जाते कभी भी कोई आपको बोले कि भाई प्रोटोन जा रहा है न्यूट्रॉन जा रहा है ठीक है न्यू आइटम छोड़ के जा रहा है ऐसा नहीं होता है ना दे कैन नॉट मूव बिकॉज दे आर देयर विद अ वेरी स्ट्रांग फोर्स ठीक है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो बाइंड होते हैं न्यूक्लियस के अंदर आप ये बोलो हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है दोनों ठीक है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दैट इज द मेन थिंग अब सबसे बढ़िया बात यहाँ पे क्या आ जाती है सिर्फ़ और सिर्फ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ही आपको ये बताने में सक्षम है और आई शुड से किसी भी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है किसी भी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो किसकी वजह से है सिर्फ़ इलेक्ट्रॉन्स के एक इधर से उधर जाने में सिर्फ उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देते हैं जब ये छोड़ के चले जाते हैं जब ये एटम को छोड़ के चले जाएंगे तो एटम के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज है ना जब मैं न्यूट्रल की बात करती हूँ ना देखो बेटा जब मैं न्यूट्रल एटम की बात करती हूँ ना तो ये न्यूट्रल एटम में पता क्या होता है जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं ठीक है जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं बराबर बराबर तो जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का है जितना चार्ज प्रोटॉन्स का है वो दोनों को ऐड करके टोटल चार्ज वुड बी जीरो ठीक है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज है प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज है अब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल तो तो चार्ज हो जाएगा जीरो ऐसा हम लोग बोलते हैं राइट अब तुम खुद से सोचो अगर कोई इलेक्ट्रॉन आइटम को छोड़ के बाहर चला जाए तो नंबर ऑफ प्रोटोन ज्यादा हो गए कि नहीं इस वजह से वो बन गया पॉजिटिवली चार्ज ठीक है हम पूरी बॉडी पूरे आइटम की बात करेंगे फिर ठीक है और अगर कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहीं और से इस एटम में आ जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज आ चुका है तो टोटल तो चार्ज वुड बी निगेटिव ठीक है इस तरीके से हम लोग एक्चुअली में निगेटिव और पॉजिटिव की बात करते हैं न्यूट्रल के लिए दोनों बराबर ठीक है पॉजिटिव एटम की मैं बात करूं पॉजिटिवली चार्ज एटम की बात करूं ठीक है पॉजिटिवली चार्ज एटम की बात करते हैं तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया है प्रोटॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हो गए वो ज्यादा हो गए हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से और अगर मैं बात कर देती हूँ नेगेटिवली चार्ज की तो भैया हमको पता चल चुका है नेगेटिवली चार्ज एटम की अगर मैं बात कर देती हूं तो यहां पे मुझे पता चल जाएगा दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डेफिनेटली गोइंग टू बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये चीज सबको समझ में आ गया ग्रेसफुल आ, मीन्स hmm. अमन सॉरी आयुष मुझे ऐसा लगता है ग्रेसफुल का मीनिंग होता है अम, जो कि बहुत अच्छे से लाइक ना ग्रेसफुली लाइक बहुत तमीज़ में मैनरफुल ऐसा मैं जो है इसको अज्यूम कर सकती हूँ दैट वुड बी ग्रेसफुल फॉर मी ठीक है मैम मेरे मैथ्स में थर्टी एट आए और संस्कृत में थर्टी नाइन पॉइंट फाइव वाह लैंग्वेजेस तुम्हें बहुत अच्छी आती है यार संस्कृत में थर्टी नाइन पॉइंट फाइव बहुत ही बढ़िया बेरेलियम है अच्छे अच्छा, बेरेलियम है तुमको लग रहा है तुमको लग रहा है बेरेलीम है सच्ची मुच्ची बेरेलीम है देखते हैं भाई ठीक है अँ... ओके यस न्यूक्लियंस न्यूक्लियंस है वो ई एन एस है भाई हेलो आद्या हाव यू बच्चा यस ऑफ कोर्स यस ऑफ कोर्स हम्म स्पेलिंग देखना तो आई एम गुड आद्या बच्चा हाव यू चंचल तुम्हारी दीदी का नाम है हाँ बहुत ही बढ़िया मैम अपना अर्थ में रहते हैं तो अर्थॉन्स यार अर्थ अर्थॉन्स होना चाहिए क्या इट शुड बी लाइक कुछ अच्छा सा यार कुछ अच्छा सा होना चाहिए um, आर्थौन्स. आर्थौन्स नहीं कुछ अच्छा सा नाम सोचाओ यार हर्षित कुछ अच्छा सा नाम बताओ हम्म hmm. यस yes, आद्या बिल्कुल यू शुड डेफिनेटली शेयर इट टू द पीपल है ना देखो जिन भी बच्चों को ऐसा लगता है कि उन्हें ये चैनल शेयर करना चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ वो बिल्कुल शेयर कर सकते हैं देयर इज नो एनी लिमिट ठीक है इट वुड बी मच मच बेटर अगर किसी भी बच्चे को किसी ने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं करी है और अगर वो करना चाहते हैं तो उनके पास एक बहुत अच्छा मौका है तो बिल्कुल आप लोग शेयर कर सकते हैं ऑल राइट कूल वेरी गुड ओ देट्स मूव ऑन टू द इलेक्ट्रिक चार्ज अब तुम बोलोगे यार इलेक्ट्रिक चार्ज हम बाद में क्यों पढ़ रहे हैं वो इसलिए क्योंकि पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये चार्ज होता किसके पास है तो हमने अभी तक ये पता कर लिया है एटम जो होते हैं उसके अंदर तीन पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे फंडामेंटल पार्टिकल है ठीक है अब वो जो तीन पार्टिकल्स होते हैं उनके पास ये चार्ज नाम की प्रॉपर्टी होती है ठीक है अब हमको ये पता चल जाता है जैसे मेरे पास मास है तुम्हारे पास मास है सबके पास मास है दैट इज द प्रॉपर्टी ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है कि तुम्हारे पास मास है ठीक है तो ये मैं बोल सकती हूँ कि मास एक तरीके से एक मैटर का प्रॉपर्टी है मैटर कैन बी लाइक एनी थिंग मैटर हमको पता है क्या क्या हो सकता है सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है और इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि भाई अगर तुम पानी का ग्लास उठाओगे उसमें भी तुम्हें कुछ ना कुछ मास मिलेगा है नहीं अगर तुम हवा की बात करे उसके पास भी मास होगा क्यों क्योंकि उसके पास भी आइटम्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे प्रोटॉन्स होंगे राइट तो ये चीज तुम ध्यान से देख सकते हो कोई भी मैटर अगर है आपके पास या फिर आपके आसपास पास देर वुड बी मास असोसिएटेड विद इट जस्ट सेम टू सेम इलेक्ट्रिक चार्ज भी वैसा ही एक फंडामेंटल और इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी है इंट्रेंसिक का मतलब भैया उससे कोई अलग नहीं कर सकता जैसे मैंने तुम्हें सांप का एग्जाम्पल दिया था अब सांप है दैट इज एन एनिमल जिसका एक प्रॉपर्टी है कि वो डसता है है ना आप उसका ये प्रॉपर्टी नहीं छीन सकते आप कुछ भी कर लो आप सांप से उसकी खुद की प्रॉपर्टी डसने की प्रॉपर्टी नहीं छीन सकते दैट इज द ट्रू थिंग तो आप इसी तरह बिल्कुल किसी भी पार्टिकल की स्मॉल इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन किसी का भी चार्ज नहीं छीन सकते यू कैन नॉट एक्चुअली स्नैच इट अवे और एक्चुअली इट है ना ये नहीं कर सकते इसी वजह से इंट्रेंसिक जो है हमने इसको बोला है ठीक है ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है द बेसिक वन ठीक है और इसकी वजह से एक्चुअली में इस इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से दे शो डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर लाइक मैंने आपको बताया था ना अट्रैक्ट करते हैं रिपेल करते हैं ठीक है ठीके? ये बिहेवियर किसकी वजह से शो हो रहा है चार्ज की वजह से ठीक है दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग तो अगर तुम्हें कोई रीजन दिखता है भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर अगर आपको दिखता है तो ये हो रहा है किसकी वजह से उस प्रॉपर्टी की वजह से एंड व्हाट दैट दैट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी इज इज इलेक्ट्रिक चार्ज तो ये चार्ज क्या चीज होता है ये कोई चीज नहीं है जो तुम तो उठा लो उसको या पकड़ लो जैसे तुम किसी का मास नहीं कर सकते ठीक है जैसे लेट मी टेल यू आपके पास लेट से कुछ भी जैसे पेन है आपके पास आप अपने पेन को पकड़कर बैठे हो राइट बट द मेन थिंग इज आप उस पेन को पकड़ सकते हो आप उस ऑब्जेक्ट को पकड़ सकते हो राइट बट यू कैन नॉट एक्चुअली टच द मास ऑफ दैट ऑप पेन दैट पेन और दैट एनी ऑब्जेक्ट ठीक है इसी तरीके से आप चार्ज को भी छू नहीं सकते ठीक है यू कैन नॉट होल्ड इट बट येस दैट्स द प्रॉपर्टी बिकॉज ठीक है आप किसी प्रॉपर्टी को नहीं छू सकते समझे कि नहीं समझे दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग ठीक है तो ये चीज हमको समझ में आती है कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये प्रॉपर्टी है वो छोटे छोटे फंडामेंटल पार्टिकल्स की इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स उनके पास जो आते हैं ठीक है अब हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं वॉट आर दो टाइप्स नंबर वन इज द पॉजिटिव प्लस नंबर टू इज द नेगेटिव अब ये तुम लोग बोलोगे मैम ये क्या, को, क्या कोई डायरेक्शन है नो दैट्स नॉट डायरेक्शन ये सिर्फ आपको नेचर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हाँ दो तरीके के चार्जेस वहां पर एग्जिस्ट करते हैं ठीक है ये चीज आपको बताने के लिए शो किया गया है राइट right? ये हमको ये हमको पता चला दैट्स वेरी ऑसम अर्दियंस हाँ जैसे हम एलियंस बोलते हैं वैसे ही अर्दियंस दैट इज ऑसम हर्षद

जैसे उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला जाता है समझे मोनित दैट इज द मेन थिंग अब हम आगे चलते हैं एस स्टार लगा दिया इन्हें पृथ्वी अंश अच्छा पृथ्वी अंश ठीक है मैम जैसे आप हमारे क्वेश्चन पूछना नहीं छोड़ चो, सकते एटम को चार्ज होना ही है बिल्कुल सही बिल्कुल सही करंट फ्लोस फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव पॉजिटिव वेरी गुड हर्ष तुमने बहुत अच्छा रटा है बहुत बढ़िया ठीक है, जो की है हमारी properties. Properties में क्या-क्या चीजें आ जाती हैं? हैं, हैं. हम लोग को पता है, भाई, unlike charges जो होते वो attract करते like charges repel करते है. तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है अट्रैक्ट करेंगे ठीक है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल करेंगे सेम चार्जेस रिपेल करते हैं दूर भागने की कोशिश करते हैं ठीक है नेक्स्ट प्रॉपर्टी द सेकेंड वन इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है कंजर्व मतलब आप उसे ना तो क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो मीन्स आप किसी प्रॉपर्टी को नहीं बदल सकते राइट दैट इज द मेन थिंग तो आप खुद से कहीं से चार्ज लेकर आ जाओगे प्रकट हो जा प्रकट हो जाए ऐसा नहीं हो सकता ठीक है या फिर आपने सोचा कि मैं इसको जला दूँ किसी तरह इलेक्ट्रिक चार्ज को या किसी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करूं तो आप नहीं कर सकते दैट्स द प्रॉपर्टी ठीक है भी। अच्छा देखो हर्षित ये तो बहुत बढ़िया बात बताई है तुमने ठीक है देखो जब हम लोग कुछ ज्यादा ही बार उस चीज को पढ़ लेते हैं ना तो सचमुच में ऐसा लगता है कि हम लोग यार बिल्कुल जानते नींद में भी बड़बड़ाएंगे तो वाह करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू तो नेगेटिव वाह ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि तुम्हारे अच्छे से दिमाग में बैठ चुकी है हर्षित ओपी वेरी गुड मोनिक बोल रहा है मैम लाइट फ्लो करती है मैम लाइट फ्लो करती है हाँ भैया वेव वे है फ्लो करेगी ना यस ऑफ कोर्स इट डज फ्लो ठीक है हम uh, वैसे बोल देते हैं ट्रांसमिटेड बोल देते हैं ठीक है और मूव्स uh, बोल देते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस सन से लेके यहाँ तक तो फ्लो करते आती है ना दैट्स अ वे वी ऑल नो इट ठीक है यस ऑफ कोर्स ठीक है ये तो तुमने सही बोला um, होशियार बच्चा प्लस नलायक बच्चा अट्रैक्शन एंड होशियार बच्चा होशियार बच्चा रिप्रेजेंट भाई ऐसा नहीं है सच्ची मुच्ची ऐसा नहीं है मोनित मानत मोहनत मोहनत अगर तुमने ये सोच लिया ना भैया होशियार नालायक हमेशा अट्रैक्टिव है कुछ नहीं होना कुछ नहीं होना मैं बता रही हूँ सच्ची बात नहीं है ये बिल्कुल झूठ बात है ये झूठ झूठ बात है ठीक है तीसरा प्रॉपर्टी चार्ज है वो एडिटिव है एडिटिव माने प्लस कर सकते हो जैसे मैं तुमको बोलूं कि एक थैले के अंदर तुमने एक किलो आलू रख दिया ठीक है दूसरा उसी थैले के अंदर तुमने दो किलो टमाटर रख दिया टोटल मास वुड बी थ्री के जी एड करके बता सकता है एक के जी भाई आलू का दो के जी टमाटर का एड करो तीन के जी टोटल मास पता चल गया बिल्कुल सेम टू तो सेम ऐसे इलेक्ट्रिक चार्ज भी करता है ठीक है वो हम एड कर सकते हैं हम एक सिस्टम के ऊपर बता सकते हैं कि अंदर टोटल कितना चार्ज है ये बता सकते हैं ठीक है थीके? तो मान लो ये एक सिस्टम है सिस्टम माने कुछ भी एक बक्सा टाइप जिसका बाहर से कोई लेना देना नहीं है ठीक है बाहर से कोई लेना देना नहीं है कुछ कोई अंदर नहीं जा रहा इस बॉक्स के अंदर कोई अंदर से बाहर नहीं जा रहा ठीक है और यहाँ पर कुछ चार्जेस बैठे हुए हैं लेट से यहाँ पे टू कूलम का चार्ज है प्लस यहाँ पे बैठा है माइनस का थ्री कूलम यहाँ पे बैठा है प्लस का टेन कूलम यहाँ पे बैठा है माइनस का सेवन कूलम ठीक है तो जब तुम इसका टोटल इस पूरे बॉक्स पे टोटल चार्ज निकालोगे तो क्या करोगे ऐड कर दोगे ऐड कैसे करेंगे भाई प्लस का टू प्लस का माइनस थ्री प्लस का प्लस टेन ठीक है ये सेवन नहीं है ये प्लस है, ठीक है और फिर प्लस का माइनस का सेवन तुम इन सबको ऐड कर दोगे विद देयर साइन है ना तो रिजल्ट अपन को क्या मिलेगा माइनस थ्री माइनस सेवन माइनस का टेन प्लस टेन से कैंसिल हो जाएगा बचेगा सिर्फ टू कूलम दैट वुड बी द टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम है ना ये चीज हमें ध्यान रखना ऐड हो जाता है बिल्कुल ठीक है अरे मैम सच में सच में बड़ा एक मिनट एक मिनट बड़ा बता बताता हूँ मैं जो पढ़ता हूँ मम्मा बोलते हैं कि ये तो मुझे समझ में नहीं आया मतलब बॉक्स में लड्डू गिन सकते लाइक एडिटिव प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी लाइक लड्डू गिनना वहां मैं बोलना चाहूंगी मास तो मैं ऐड कर लो भैया अब पता नहीं ना कौन से लड्डू में क्या पता बूंदी के लड्डू हैं ठीक है क्या पता बेसन के लड्डू हैं ठीक है, है? तो क्वांटिटी अलग अलग हो गई लेकिन प्रॉपर्टी तो सेम है मास वुड बी टोटल एडिटिव अलग अलग चीज़ों का तुम तो मास्क एड कर सकते हो इसी तरीके से अलग अलग चार्जेस हैं इलेक्ट्रॉन अलग है प्रोटॉन अलग है ठीक है एंड आई शुड से यहाँ पर तुम्हें कभी प्लस कभी माइनस मिलेगा है ना उनको ऐड कर सकते हो ये चीज़ मैं बोलने वाली हूँ ठीक है All right, Shavni. All right, that's what you can do with definitely. Now let's move on to the fourth. Electric charge is quantized. Quantized का मतलब ये है कि भाई इसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, ठीक है? कल को कोई तुमसे बोले कि यार आधा इलेक्ट्रॉन तो है जो है इस बॉडी से दूसरे बॉडी में चला गया, आधा पीछे रह गया, ऐसा नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन ने ये कसम खाई है कि भाई मैं कभी भी टुकड़ों में नहीं बटूंगा ठीक है जैसे हम लोग भागते हैं ना हम जब भागते हैं तो भाई हमारी बॉडी पूरी साथ भागती है हमारे हाथ हमारे पाव हमारे कान हमारा मुंह सब साथ साथ जा रहा होता है आगे है ना यहाँ से बैठ के तुम वहां तक दूसरी तरफ जाते हो राइट दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है हमेशा क्वांटाइज रहता है ठीक है क्वांटाइज का मतलब ये बटता नहीं है बटता नहीं है का मतलब मैं तुम्हें पहले बता

एक्जैक्टली एग्जैक्टली दैट इज वॉट टोटली एग्री विद ठीक है गुड इवनिंग फ्रेंड्स बेचारा कितना छोटा है जिसको अपन नहीं देख सकते और कितना छोटा होगा सोचो यार तुम ऐटम तक ही नहीं पहुंचे सोचो अपन तो ऐटम को ही नहीं देख पाए इलेक्ट्रॉन को देखना तो बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है ठीक है कूल वेरी गुड ठीक है तो ये हमें प्रॉपर्टीज मेन प्रॉपर्टीज थी जो हमें चार्ज के बारे में जाननी थी कि भाई ऐसी ऐसी बात है है ना अब मैं आती हूँ इस बात पे कि तुमको अब इलेक्ट्रॉन्स को इन चार्जेस को फ्लो करवाना पड़ेगा फॉर वॉट फॉर इलेक्ट्रिक करंट ठीक है फॉर इलेक्ट्रिक करंट दैट्स वट आई कैन से अब हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी इलेक्ट्रिक करंट की ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस है ना अब मैं तुम्हें बताती हूँ हम लोगों का जो भी कुछ बना हुआ है वो सब एटम से मिलके बना है ये बात हमको सब सबको पता है रिलेटिव है सब कुछ समझ में आता है इस चीज के बारे में जब हम कंडक्टर्स की बात करते हैं तो ऑफकोर्स वो भी मेटल से बने हैं और मेटल की मैं बात कर देती हूँ जैसे कि कॉपर एल्यूमिनियम सिल्वर ठीक है आयरन ये बहुत सारे ऐसे मेटल्स होते हैं हमको ये बात पता है वो एटम से बने होते हैं राइट तो उसका मतलब उनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटोन सब होंगे ऑब्वियस सी बात है प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अगर मैं छोड़ भी दूं कि यार प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो जेल में बंद है तो दे आर नॉट दे विल नॉट बी एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन दी इलेक्ट्रिक करंट तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो कभी जो है कभी भी इन्वॉल्व नहीं होंगे इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने में तो लेट लेट मी टेल यू द वन एंड ओनली ठीक है जो आपको इलेक्ट्रिक करंट देगा हु इज दैट

मैम uh, एग्जाम और सामने आते जा रहे हैं यस प्रिंस बिल्कुल आ अब तो बिल्कुल पास आ जाएंगे प्रिंस बहुत 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 पास आ जाएंगे ठीक है मैं बोल रहा था कि नींद uh, में बात बताता हूँ जो पढ़ता हूँ अच्छा नींद में बड़बड़ बड़ आता है जो पढ़ता है सच्ची मच्ची हाँ हर्ष यार अगर ऐसी बात है हर्षद तो हम लोग ये कह सकते हैं कि तुम्हारा को जो सबकॉन्शियस माइंड है ना दैट इज टोटली एक्टिव क्योंकि हम लोग क्या कर रहे होते हैं जब हम बैठ के याद करते हैं तो वो कॉन्शियस माइंड में होता है फिर जब हम रात में सो जाते हैं रिवाइज करके तो वो सबकॉन्शियस में एंटर हो जाते हैं और अगर तुम बड़बड़ाते हो उनको तो इसका मतलब दैट इज गोइंग इन टू दी सबकॉन्शियस लेवल तो हर्षेद तुम तो जीनियस बनने वाले हो भाई सभी बच्चे हर्षद को सलामी देंगे ठीक है बहुत ही अमेजिंग जब हम चेहरे हम का सेशन देख रहे हैं इन पर टाइम इज कॉल्ड करंट वाह हाँ मैं ये बोलना चाहूंगी कैसे देख पा रहे हैं तुम अपना लैपटॉप अपने फोन में देख रहे हैं राइट इसका मतलब क्या हुआ वहां पर इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करते हुए तुम तक पहुंचे तुम्हारे डिवाइस तक पहुंचे एंड देन ओनली यू आर एबल टू सी मी दैट व्हाट आई कैन से मैम फैक्ट्राइजेशन बना बना के पागल हो रहा हूँ यार ये तो प्रिंस तुमने बहुत अच्छी बात कही क्योंकि यस yes, ऑफ कोर्स फैक्ट्राइजेशन थोड़ा हार्ड है ये मैं कहना चाहूंगी बट येस yes, तुम कर लोग आई हैव फेथ इन यू ठीक है चलिए दैट इज दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग अभी फटाफट से इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात कर दे तो ये देखिए ये है अपना कंडक्टर ये अपना किसका वायर है भैया कॉपर का वायर है दिस इज द कॉपर का वायर इलेक्ट्रॉन्स है फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, हैं ठीक है अब मैं ये जानना चाहती हूँ भाई कितना चार्ज एक जगह से दूसरी जगह से गया ठीक है मान लो ए से लेके बी तक एक चार्ज गया ठीक है तो मैं ये कहना चाहूंगी द करंट वुड बी हाउ मच चार्ज इज एक्चुअली गोन इन आई शुड से हाउ मच टाइम वो हमें करंट बताएगा ठीक है तो फ्लो ऑफ टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू फ्लो दैट वुड बी टेकन एज द इलेक्ट्रिक करंट ये चीज हमको समझ में आती है ये चीज हमको समझ में आती है राइट लाओ right. देखो अब मैं तुम्हें बताती हूँ इलेक्ट्रिक करंट के आगे की कहानी क्योंकि अब हमारे यहाँ पे तीन चीजें इन्वॉल्व हो गई अब मुझे पता चल गया रिलेशन बिटवीन वॉट आई कैड से द रिलेशन बिटवीन द करंट रिलेशन बिटवीन द चार्जेस एंड द टाइम आई शुड से ठीक है ये चीज हमको पता चल जाती है अब आप बोलोगे मैम वॉट इज द यूनिट ऐसा यूनिट में हम इसको क्या करते हैं एक्सप्रेस करते हैं ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बिचा क्या होती है क्या किसी को पता है इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है इतना सिंपल सिंपल होता है जल्दी बताओ क्या होती है वो हर्षित इसे ही कहते हैं हम क्यूरियस माइंड क्या कहते हैं इसे क्यूरियस माइंड कहते हैं ठीक है चलिए फटाफट फ़िण से मुझे बताइए ऐसा यूनिट क्या होती है फटाफट से बताइए एम्पियर व्हाट इज़ दैट एम्पियर तुमने कई जगह पे तुम्हारे घर में इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं कि नहीं आते हैं जैसे फ़ोन आया जैसे कि कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम तुम्हारे पास आया ठीक है तो उसका जो डब्बा होता है ना उसके ऊपर देखना कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लिखा होगा फ़ाइव एम्पियर ठीक है सिक्स एम्पियर या टू एम्पियर या थ्री एम्पियर कुछ ऐसा लिखा होगा ठीक है, है ना ये जो होता है that is actually showing you कि भाई ये जो device है, वो कितना करंट जो है यूज करेगा कितना करंट जो है उसको चाहिए काम करने के लिए है ना ये चीज वो बताता है समझे कि नहीं समझे तो ये जो एम्पियर है इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है कैपिटल ए है ना वेरी गुड जूल्स प्रिंस मार्क आएगा जूल्स एनर्जी का होता है बेटा यहाँ पे मैं करंट की बात कर रही हूँ ठीक है मैम स्मॉल क्वेश्चन भी लिख सकते हैं ना uh, हाँ मोनित मोनित यस 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 स्मॉल क्यू लिख सकते हैं चार्ज को कैपिटल क्यू भी लिख सकते हैं चार्ज को ठीक है दैट इज टोटली ट्रू वेरी गुड जॉर्ज एम्पियर के नाम पे एम्पियर यस एंड्रे मैरि एम्पियर जॉर्ज एम्पियर कहां से लेके आए हर्षित अपन देखो जहां तक मुझे पता है एंड्री मैरी एम्पियर इज द नेम ऑफ दैट पर्सन ठीक है मोनित सही कह रहा है जॉर्ज एम्पियर मैंने सुना ही नहीं है ठीक है वो तो जॉर्ज साइमन ओम है बेटा हर्षित अब मुझे पता चला तुम किससे कंफ्यूज हो गए हर्षित देखो मैं तुम्हें बताती दो पर्सन थे एक तो जॉर्ज साइमन ओम थे ठीक है साइमन ओम इनके नाम पे तो ओम्स लॉ था ठीक है और एक है एंड्री मैरी एम्पियर ठीक है ये है वो पर्सन जिनके नाम पे हमने एम्पियर लिखा तुमने इन दोनों से गड़बड़ हो गई गड़बड़ हो गई ये तो गड़बड़ हो गई बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई ठीक है दैट इज द मेन थिंग दैट इज द मेन थिंग गड़बड़ हो गई ना यस 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 बिल्कुल सही हर्ष तुमने बिल्कुल सही बोला है ना ये चीज तुम लोग सोच सकते हो अब मैं आगे बढ़ती हूँ ठीक है और तुम लोग को ये बात बताती हूँ कि देखो हमारे घर में जो करंट आता है ना एक्चुअली में जो करंट आता है ना वो एक्चुअली में काफी कम होता है काफी कम होता है मतलब आप लोग सोचोगे यार दो एम्पियर के करंट में ही तुम्हारा मिक्सर जूसर चल रहा है तीन एम्पियर में ही चल रहा है सात एम्पियर में ही चल रहा है तो तुम सोचो ना कितना कम करंट चाहिए होता है ज द मेन थिंग ज्यादा करंट अगर मिल जाएगा तो दिक्कत हो जानी है, है ना? तो मैं तुम्हें ये बात बताती हूँ इसीलिए ज्यादातर जब हम नॉर्मली करंट की बात कर रहे होते तो छोटे छोटे सर्किट में बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास जैसे करंट आता है माइक्रो एमीटर एमपियर सॉरी माइक्रो एम्पियर कुछ और यूनिट्स मैं आपको बता देती हूँ अदर यूनिट्स क्योंकि हमारा स्मॉल क्वांटिटी में जो है फ्लो कर रहा होता है करंट तो माइक्रो एम्पियर इज द वन माइक्रो एम्पियर का मतलब क्या होता है बेटा वन इंटू टेन की पावर माइनस का सिक्स एम्पियर ठीक है मिली एम्पियर जो है वो भी आता है मिली एम्पियर टेन की पावर माइनस थ्री एम्पियर ठीक है तो ये बहुत छोटे छोटे होते हैं क्या होते हैं छोटे छोटे होते हैं वेरी वेरी गुड गुड बहुत ही बढ़िया है मान हाँ, ये तो सही बात है यार ये तो सही बात है ट्वेंटी एट फरवरी को साइंस का एग्जाम है ओ ट्वेंटी एट फरवरी को भाई बहुत जल्दी करना पड़ेगा प्रेन्स बहुत जल्दी करना पड़ेगा ठीक है तो वी विल बी डूइंग आर बेस्ट फॉर दैट हम लोग ना बहुत कोशिश करेंगे बहुत कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी करने की ये तो सबसे बढ़िया बात है नाउ लेट्स मूव अप टू द क्वेश्चन रिमेंबर तुम में से मुझसे किसने, किसने मुझ पूछा था पीकोमीटर के बारे में आ, पीको एम्पेयर के बारे में किसने किसने मुझसे पूछा था देखो मैं तुम्हें बता देती हूँ है ना जब कभी भी हम यहाँ पे बात करते हैं पीको की पीको की ठीक है तो ये जो पीको है ना ये बहुत छोटी यूनिट होती है और जहां तक तो मुझे याद है दैट पीको इज एक्चुअली टेन की पावर माइनस का ट्वेल्व मतलब ये जो टेन जैसे टेन की पावर माइनस थ्री है उसको मिली कहते हैं हम टेन की पावर माइनस सिक्स उसको माइक्रो कहते हैं वैसे ही टेन की पावर माइनस ट्वेल्व है उसको पीको कहते हैं ठीक है उसे क्या कहते हैं पीको ये चीज हमको समझ में आ जाती है बहुत ही बढ़िया अमेजिंग चीज है ये बहुत अमेजिंग चीज है नाउ लेट्स मूव ऑन आगे एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग अब आ जाता है कि हम कैसे डिफाइन करेंगे हम कैसे डिफाइन करेंगे कि क्या मतलब है कि मैं अगर तुम्हें वन एम्पियर का डेफिनेशन बताना चाहूं हाउ वुड यू से अबाउट वन एम्पियर करंट को मैं देखना चाहूंगी चार्ज बाय टाइम हाँ तो ये देखिए जब हम चार्ज बाय टाइम लिख देते हैं तो अगर मैं यहाँ पे करंट को वन एम्पियर करना चाहती हूं तो मैं लिखूंगी वन कूलम डिवाइडेड बाय वन सेकेंड तो इसका मतलब वन एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ कैन बी डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ टेन की पावर माइनस नाइन नैनो में होती है टेन की पावर माइनस नाइन मोनित टेन की पावर माइनस नाइन को अपन नैनो बोलते हैं नैनो ठीक है डिफाइंड करंट कैन बी डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ वन कूलम ऑफ चार्ज इन वन सेकेंड ठीक है वन कूलम्ब ऑफ चार्ज इन वन सेकेंड दैट इज इंपॉर्टेंट इन वन सेकेंड ठीक है दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन डिफाइन उसको हम कैसे define करेंगे ठीक है दैट इज द मेथिंग प्रिंस हम रिविजन करेंगे डेफिनेटली हम लोग रिविजन करेंगे चैप्टर फिनिश होने के बाद ठीक है चैप्टर एक बार फिनिश हो जाए जल्दी से क्विकली कर लेंगे उसको है ना वैसे भी हम लोगों ने क्या करने की कोशिश की है हम लोगों ने फरवरी एंड तक खत्म कर देंगे पूरा ठीक है तो डोंट वरी अबाउट इट तुम्हारा डिविजन भी हो जाएगा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा ठीक है प्रिंस अब आगे ध्यान दो एम्पियर के बारे में हमको पता चल गया ठीक है हमको किसके बारे में पता चल गया चार्ज के बारे में पता चल गया अब मैं तुम्हें बता देती हूँ एक और फॉर्मूला अनदर फॉर्मूला रिमेंबर मैंने तुम्हें क्या सिखाया था क्वांटाइजेशन क्वांटाइजेशन के लिए मैंने तुम्हें क्या सिखाया था अनदर फार्मूला फॉर करंट करंट के लिए मैं तुम्हें बहुत ही अलग अमुला uh, एक बताने वाली हूं ठीक है जैसे मैंने तुम्हें क्या बताया था क्वांटाइजेशन के बारे में डिड आई टेल यू द फॉर्मूला सो क्वांटाइजेशन के लिए मैंने ये लिखने के लिए तुम्हें बोला था कि जो चार्ज होता है वो एन ई -E के बराबर होता है जहां पर जहां पर ये जो एन है -E वो क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है एन क्या है नंबर ऑफ और ई e क्या है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन ठीक है ये क्या है अपना ई e है अब मैं ये बात जान गई हूं भाई करंट को क्या कहते हैं क्यू बाय टाइम तो क्यू को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं एन ई बाय टाइम दिस इज अगेन द न्यू फॉर्मूला फॉर यू गाइज रिमेंबर दिस फॉर्मुला इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन लॉर्ड ठीक है Um, क्या बोला हर्षित मैम कंफ्यूज बिटवीन मिली एंड माइक्रो टेन की पावर माइनस थ्री के माइनस सिक्स अरे बाबा हर्षित ये देखो यहां से जब मैंने ये बोला ना ये दिस इज माइक्रो दिस इज माइक्रो माइक्रो क्या है माइनस सिक्स ठीक है मिली 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 ये क्या है माइनस का थ्री कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है ठीक है और हर्षित ने बिल्कुल सही कहा वो आधा नहीं हो सकता मैम फरवरी के एंड में एग्जाम में उसी दिन चैप्टर खत्म हो रहा है क्या बात कर रहे हो कैसे मैंने तुम्हें क्या बोला मैं रिवीजन करवाऊंगी ना प्रिंस मैं करवा रही हूँ ना रिवीजन मैंने बोला ना उसके पहले आपका रिविजन भी होगा प्रैक्टिस भी होगा क्वेश्चन भी होंगे डोंट वरी अबाउट इट समझे कि नहीं समझे <laughs> मोहनित इफ दैट इज अ केस तो तुम्हें देखो ऐसा करने के लिए तुम्हें पक्का पक्का दे देना चाहिए अगर किसी से तुमने लिए हैं भले ही किसी भी कारण से लिए हैं आपने अगर पैसे तो यू शुड डेफिनेटली रिटर्न इट इन एनी कॉस्ट ठीक है कुछ भी हो जाए पैसे जो हैं वो देने ही चाहिए दैट इज एन इम्पोर्टेंट थिंग है ना कोई बात नहीं एग्जाम नहीं हुआ तो कोई भी कोई भी दिक्कत की बात नहीं है बट ये चीज़ें जो होती हैं वो अपनी फ्रेंड्स के बीच में नहीं आना चाहिए है ना ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एवरीबडी नाउ डू ए क्वेश्चन हियर मुझे फटाफट से जरा बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस टाइम में फिनिश होंगे फटाफट से ये क्वेश्चन मुझे करके बताइए एवरीबडी ठीक है फिर हम देखेंगे व्हाट इज गोइंग टू बी ठीक है उसके बाद हम सेशन एंड कर देंगे बिकॉज इट इज सेवन ठीक है ठीक है ठीक है क्वेश्चन करेंगे उसके बाद हम सेशन फिनिश करेंगे ठीक है नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर पोटेंशियल डिफरेंस स्टार्ट करेंगे ठीक है चलिए फटाफट से मुझे आंसर बताइए व्हाट इज द आंसर हियर आपको यहां पे सब खुद से पता करना है लाइक वॉट इज द करंट क्या टाइम है कैसे करना है वॉट इज एक्चुअली द थिंग जो कि आपको यहां पे बताया जा रहा है दो चीजें आपको यहां पे बतानी है आपको चार्ज बताना है आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं दोनों फॉर्मुलेज आप यूज करेंगे ठीक है जो मैंने आपको फार्मूले भी बताए हैं फटाफट से क्विकली 300 हंड्रेड कुलम हर्षित का आंसर आ रहा है वेरी गुड देखें आगे थ्री हंड्रेड कूलम हर्षित है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं हर्षित ये बताइए फटाफट से तुम्हारे से क्यों नहीं बनेगा प्रिंस 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 बनने की जरूरत है देखो जरा फार्मूला यहाँ है फॉर्मूला ये रहा ना ऐसे कैसे नहीं बनेगा ये रहा फार्मूला सरेंडर अपन इतनी जल्दी नहीं कि वह इतनी जल्दी नहीं करते ठीक है फॉर्मूला यहाँ लिख देती हूँ तुम्हारे लिए I बराबर चार्ज बाय टाइम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन और हमारे पास आ जाता है टाइम जहां पर मैं तुम्हें बता देती हूँ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है दैट इज 1.6 पॉइंट सिक्स की पावर माइनस कूलम बताओ बताओ फटाफट बताओ, 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 बताओ. Uh, on hmm, आता है देखो बेटा लोगो यहाँ पे ध्यान से समझो कंडक्टर में आपको करंट का वैल्यू दे दिया ऑलरेडी आपको पहले पहले से बता दिया भाई करंट का जो वैल्यू है दैट इज एक्चुअली जीरो पॉइंट टू एम्पी ठीक है आपको ये बता दिया गया है कि जो टाइम है वो मुझे जानना है तीस सेकेंड के अंदर अंदर कितना चार्ज होगा हम ये फॉर्मूला जानते हैं करंट इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी तो मुझे क्या करना पड़ेगा क्यू को पता करना है ठीक है तो उसके केस में मैं टी को उधर भेज दूंगी यानी आई इन टू टी आई कितना है जीरो पॉइंट टू टी कितना है थर्टी तो यहाँ पे कितना आने वाला है तुम्हें क्या लगता है फिफ्टीन ठीक है दैट इज़ द इंपॉर्टेंट थिंग ना, है ना, ना ये चीज हमको पता चल जाता है है ना जीरो पॉइंट टू एम पियर इंटू थर्टी ना ये चीज हमको पता चल जाता है तो ये सही है कि नहीं जीरो पॉइंट टू है वन पॉइंट फाइव नहीं है रुको रुको जीरो पॉइंट टू इंटू थर्टी दैट वुड बी कूलम, कूलम. ठीक है, हटाएंगे तो तो नीचे आ जाएगा ten, ten से ten cancel, two six, तो it would be six अब हमको क्या चाहिए वी वॉन्ट टू नो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स तो आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वॉट मैं यहाँ पे पता करना चाहती हूँ फिफ्टीन कूलम नहीं आएगा बेटा सिक्स कूलम आएगा देखो देखो यहाँ पे देखो चार्ज कितना है अपना एन ई ठीक है तो इसका मतलब मुझे क्या पता करना है एन पता करना है मुझे आई टू फाइंड आउट हाउ मेनी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन टोटल चार्ज कितना है सिक्स और वन इलेक्ट्रॉन कितना है पावर माइनस का नाइनटीन ठीक है तो दैट इज वॉट वी कैन सी हि वन कूलम का चार्ज भी ना वन कूलम तो चार्ज ही है मौने ध्यान से सुनो कूलम चार्ज का ही तो यूनिट है समझे कि नहीं समझे तो एन बराबर कितना हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे थ्री से जो है डिवाइड करना है से डिवाइड कर रही हूँ बी जीरो पॉइंट एट ठीक है तो मैं यहाँ पर देख लेती हूँ थर्टी बाई एट टेन की पावर प्लस नाइनटीन है ना थर्टी बाई एट तो इट वुड बी इट वुड बी 3.3 3 into 10 to power 19 electrons would be there how do you find it अब बताओ फटाफट से इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत अभी आई हम लोगों ने सिंपल सिंपल क्या काम किया है हम लोगों ने पता किया पहले तो अमाउंट ऑफ चार्ज कितना चार्ज फ्लो होगा उसको करने के लिए हमने करंट और टाइम को मल्टीप्लाई किया ठीक है हमको पता चला यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है सिक्स कूलम अब मुझे पता करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है तो मुझे ये एन पता करना है ठीक है तो मुझे ये पता है टोटल चार्ज मुझे पता है टोटल चार्ज कितना है सिक्स मुझे ये भी पता है वन इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है वो हमने नीचे लिखा डिनोमिनेटर में ठीक है मोहनद बोलो क्या डाउट है फिर हमने सॉल्व किया एंड वी आर गुड टू गो थ्री पॉइंट सेवन आ रहा है अगर, अगर मैं इसे करती हूँ ठीक है लेट मी डू इट थ्री पॉइंट सेवन थोर्टी बाई एट तुम्हें क्या लगता है थ्री पॉइंट सेवन फाइव आ रहा है आयुष ओके ठीक है थ्री पॉइंट सेवन फाइव आ रहा है लेट मी डू इट थर्टी बाय एट वुड बी फिफ्टीन बाई फोर ठीक है अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ फोर थ्री जॉ ट्री अगे फोर थ्री नहीं देट वुड बी दैट वुड बी थर्टी यानी ये ऑफकोर्स फोर सेवनजेंटी एट एंड इट वुड बी सेवन फिर अगेन उसमें कितना हो जाएगा ट्वेंटी हम लोग को यहाँ पे मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स ठीक है इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है भाई हमको पता चल जाएंगे ठीक है इतने इलेक्ट्रॉन्स हमें पता चल जाएंगे um, अगर एक कूलम में सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन रेज टू दी पावर एटीन से करेंगे तो 6.25 क्यों मोनित ये नंबर कहाँ से लेके आए तुम 6.25 क्यों करेंगे हम लोग मीन्स वाई सो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना बेटा 1.6 10 की पावर माइनस नाइनटीन ये एक का चार्ज है ठीक है मुझे पता करना है कि भाई कितने चार्जेस वहां पर हैं ऑलरेडी तुम्हें टोटल चार्ज पता है तुम्हें एक का चार्ज पता है तो तुम ऑब्वियसली बात है पता कर सकते हो कि कितना जो है अमाउंट वहां पे अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप पता कर सकते हो तुम यहाँ पे 6.25 खुद से क्यों लेके आए ये मुझे नहीं समझ में आया ठीक है सिक्सटी के लिए सेवन जेड लेंथ ना फिफ्टी अच्छा हर्ष ठीक है ठीक है और किसी को कुछ इसमें यहां पर आ रहा है और कुछ किसी को दिक्कत यहां पर अगर दिखाई देती हो या पता चलती हो

ठीक है दैट इज एन इम्पोर्टेंट क्यूल वेरी गुड दैन ठीक है तो अब हमारा कोई भी डाउट नहीं रह जाता है ठीक है पोटेंशियल डिफरेंस हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं ठीक है ठीके? और शायद मैं उसके साथ साथ ओम्स लॉबी आपको बता दूं है ना तो वो दोनों चीजें अपन एक साथ कर सकते हैं ठीक है एंड संडे uh, को मैं आपको इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देने वाली हूँ प्रोवाइड करने वाली हूँ फटाफट से करना है कोशिश करनी है आपको रिमेंबर करते रहना है और इनको छोड़ना नहीं है ठीक है सो मैम क्योंकि अगर एक कूलम में इलेक्ट्रॉन पता चल जाए तो आसान होगा देखो एक कूलम में इलेक्ट्रॉन अगर चल जाए तो तुम बोल सकते हो लेकिन यहाँ तो सिक्स कूलम थे ना यहाँ तो सिक्स कूलम थे माइनस नाइनटीन से प्लस कैसे अरे बेटा हर्षित ये देखो डिनोमिनेटर में था देखो अगर कभी भी तुम्हारे पास 10 की पावर माइनस नाइनटीन आ रही है डिनोमिनेटर में माइनस पावर है तो जब ये ऊपर जाएगी तो ये कैसा बन बन जाएगा जाएगा 10 की पावर प्लस प्लस यस यस ऊपर चला गया ठीक है ऑल राइट एवरीबॉडी थैंक यू सो मच फॉर बींग मेक श्योर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और संडे को आपका एक छोटा सा मिनी टेस्ट होने वाला है सो मेक श्योर कि आप वहां पर प्रेजेंट रहेंगे एंड टेस्ट को